हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोबी स्किन केयर टिप्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजरल शेड कार्ड के ऊपर। इसमें कौन कौन से शेड्स हैं और किन किन हेयर पे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी हाइलाइट्स हैं, कितने रेड कलर्स हैं, हम किस तरीके से वो मिक्स कर सकते हैं, कितना इसका रेशो है, उन्हीं सारी चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये आ जाते हैं हम, सबसे पहले आते हैं गाइज बेसिक शेड्स हमारे आपके हैं। सबसे पहले हमें हमारा ब्लैक, डार्क ब्राउन, इसमें दो नंबर नहीं है, जबकि हमारे जो दूसरा आपने देखा होगा इनोवा का, उसमें दो नंबर था। बहुत सी शेड कार्ड में दो नंबर नहीं है, बहुत सौ में है। डायरेक्ट इसमें क्या है, तीन डार्क ब्राउन, फिर चार ब्राउन, फिर पाँच लाइट ब्राउन, छः ब्लॉन्ड डार्क ब्राउन, सेवन ब्लॉन्ड मीडियम ब्राउन, एट लाइट ब्राउन, देन इसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास ऐश, जैसे कि आप देख रहे हो 2.10। अच्छा, इसमें क्या है बताइए, 2.10 में हमारा क्या शेड बनेगा। 1 हमारा हो गया ऐश और 0 हमारा हो गया नेचुरल। ओके, हम क्या बोलेंगे इसको, इंटेंस ऐश डार्क ब्राउन। हमारे पास ऐसी कॉपर है 7.4, इसका ग्लोबल भी बहुत अच्छा लगता है, कभी आप करके देखना, जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो स्किन का उसके ऊपर आप दे सकते हैं। रेड स्टोन में आ जाइए 4.56। ओके, ये देखिए ये रेड टोन है, ये देखिए ये रेड टोन है 3.66, 4.62 ये रेड स्टोन में है। अगर आपको बिल्कुल विजिबल कलर चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं 0.600 इंटेंस रेड। देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस, ज़बरदस्त। तो अगर आप थोड़ा कॉपर स्टोन के साथ चाहिए तो आप 7.64 को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैमिली है गाइस रेड। मैजरल में बहुत सारा आपको कलेक्शन मिल जाएगा हेयर का। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे गोल्ड की फैमिली। गोल्ड की फैमिली में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है हमारे पास। एक हमारे पास मिल जाता है बेस और दूसरा हमारे पास मिल जाता है गोल्ड का रिफ्लेक्शन, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। एक हमारा बेस कवर कर लेगा, ग्रे हेयर कवरेज करेगा। दूसरा हमारा थर्ड जो हमारा तीन नंबर है यहाँ पे, वो क्या करेगा 0.3 हमारे पास करेगा, हमारे गोल्ड रिफ्लेक्शन देगा। वॉर्म ब्राउन, ये भी गाइस बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। वॉर्म ब्राउन का मतलब है थोड़े हॉट कलर, मतलब दिखने वाले बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप इस फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब आप आ जाइए यहाँ पे कूल ब्राउन के ऊपर। कूल ब्राउन मतलब ठंडे कलर, ठीक है। बहुत से एक्चुअली पता क्या होता है गाइस, हम स्किन के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट कर पाते हैं कि किसको कौन सा कलर देना है। जिसका स्किन का कलर काफ़ी फेयर हो तो उसको आप वॉर्म के साइड ले जाएंगे तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, ठीक है, थोड़ा डार्क हो, तो उसको अगर हम वॉर्म कलर देंगे तो उस पर एकदम सूट नहीं बैठता, इसलिए हम थोड़ा उसको कूल कलर की तरफ ही लाते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया रेड। दूसरा मजेंटा रेड, जैसे कि आपने देखा होगा मजेंटा रेड की हाईलाइट सुपर व्यार। अब हमारे पास आ जाते हैं इंटेंस रेड, लाइट ब्राउन। ये काफ़ी शेड्स हैं जिसमें हमारे, अगर आप कराओ कभी प्री हाईलाइट करने के बाद तो आप ये कलर चूज़ करो 13 नंबर, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट गाइस, सुपर, सबसे ज़्यादा चलने वाला 900S। अब हम आते हैं मैजी ब्लॉन्ड 900S पर। ये क्या है और कब कब ये काम करती है। 900S एक कलर ट्यूब है जो कि हम डायरेक्ट 30 या 40 वॉल्यूम से अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्चर हम उस पर हेयर पे अप्लाई करने के बाद हम अपना कलर को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस डिपेंड, अगर किसी ने केमिकल वर्क उस पर पहले करा रखा है या कुछ मेहंदी टोन है तब ये वर्क नहीं करेगी। आपको प्री हाइलाइटिंग करने के बाद ये टोन डालनी पड़ेगी तभी जाके आएगा कलर। अगर आप वर्जन हेयर है तो आप इस ट्यूब से डायरेक्ट हाईलाइट ले सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे पास थोड़े कटर्स आए वॉलेट ब्लू ग्रीन, इनके बारे में तो गाइज आपको पता ही होगा। आई होप कि गाइज ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें
इसका जो मिक्सिंग रेशो होता है वो होता है 1:1.5 ग्राम वॉल्यूम लिया है तो 45 ग्राम हमें ट्यूब लेनी पड़ेगी 1:1.5। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये थोड़े से इंस्ट्रक्शन है इसमें मिक्सचर के 1.1.5 डिग्री हेवरेज कवरेज बेसिक से काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं गाइज। मैजरल कंपनी एज ए लॉरियल कंपनी, ये दोनों इनोवा और लॉरियल ये दोनों सेम कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे बता सकते हैं देन कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए। ओके, बाय बाय।